आज के वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी मेरी तबीयत में बिल्कुल सुधार, और कपड़े देखे बिले बिल्कुल ढीले डाले हो गए। कुछ दिन से मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, खाटू श्याम जी से आने के बाद। वहाँ का खाना पीना मेरे को बिल्कुल सूट नहीं किया, तो अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार है। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं रूम की सफाई कर लूँ, काफ़ी दिन से सफाई नहीं हुई है, और होली का फेस्टिवल भी आ रहा है, तो उससे पहले तो एक बार फिर से सफाई हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने पूरा सेट कर दिया, ये वाला और नीचे की साइड भी सेट कर दिया है। वो जो जूते हैं वो धोने हैं मुझे, कुछ डेली वेयर के हैं और कुछ जो आने जाने के लिए होते हैं वो वाले पड़े हुए हैं, मेरे और पतिदेव जी के डेली वेयर के, और मैंने इसके जो हम कहीं जाते हैं तो पहन के जाते हैं वो वाले जूते हैं। तो पर्दा भी मैंने निकाल दिया है, धुलूंगी मैं। अभी मेरी बेड की हालत है कि क्या करी हुई है, पूरा रूम पूरा गंदा पड़ा हुआ है अभी तक। यहाँ से मैंने सेट कर दिया है, ये खिलौने इधर उधर हो रखे थे, और यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने आज और लगा दी है मेरी पतिदेव जी की और मनीष की, अनिति का इसमें हमारे साथ। तो अभी देखते हैं। गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बोलने में दिक्कत होती है, तो बाकी का काम भी कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों, आज मैं रूम क्लीनिंग का वीडियो बना रही हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने झाड़ लिए है जाले वगैरह सब, और ऊपर की सफाई मेरी हो गई, सामान भी मैंने सेट कर दिया। तो अलमारी को भी अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेते हैं। आजकल आंधियाँ चलती है बहुत तेज़, और बारिश वाला मौसम रहता है, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, तो गंदगी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और कुछ दिनों से हम बाहर थे तो अभी घर की हालत ख़राब हो गई है। जूते जो मुझे धोने हैं अभी इनको उठा लेते हैं, साइड में रख देते हैं, आज तो मैं नहीं धुलूंगी, मौसम ख़राब है, फिर सूखते नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और नीचे की साइड मेरे पूरे जूते हैं और बैग वगैरह सेट कर देते हैं जो हम लेके आए थे। कुछ दिन से मेरा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो फालतू सामान है वो बाहर रख देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इस तरह से पूरे रूम की सफाई हम कर लेते हैं। और ये वाली अलमारी मेरी पूरी सेट हो चुकी है, तो यहाँ पे मेरे इस बाल्टी में कपड़े रहते हैं और पानी का कैंपर, और ऊपर से अलमारी भी साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक चेयर और एक दवाई रखी है, इसको साइड में रख देते हैं। हेलमेट है, इसको भी साफ़ कर लेते हैं, और अलमारी को पूरा साफ़ कर लेते हैं। ये तो डेली का काम हो जाता है। तो मेरे रूम की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे चादर के ऊपर मैं कंबल बिछाती हूँ, गर्म वाला, और गर्म वाली चादर थी वो मैंने अंदर रख दी है अभी धुलकर, लेकिन दोबारा ठंड आ गई तो मैंने नहीं निकाली है। और ये कंबल, इतनी देर में इतनी ज़्यादा थकान हो गई मेरे को, तो अभी मैं दोबारा से सोऊंगी। खाना वाना मैंने नहीं खाया, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रखी है, और मैं फुल वीडियो भी नहीं बना पाई। अलमारी की सफाई तो मैंने एक दो दिन पहले ही की थी, लेकिन बेड मेरा बिल्कुल गंदा हो रखा है अंदर से, तो वो मुझे साफ़ करना है, लेकिन आज नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा मेरा बेडरूम की क्लीनिंग का वीडियो बन चुका है। मैंने साफ़ कर दिया पूरा, पर्दा मेरा दोबारा से दूसरे वाला लग चुका है। और ये देखिए, ये मेरा बेड भी बिल्कुल साफ हो गया है। तो दोस्तों, बेड की क्लीनिंग की थी मैंने पूरी, तो उसके बाद मैंने बिल्कुल सूट नहीं किया। मैं नहा ली हूँ, लेकिन बाल कंघी नहीं की, मेरा मन नहीं किया, और पड़े पड़े मैं हो गई थी वो। तो सोचता कुछ कर लेते हैं, तो मैं लगी हूँ यहाँ पे कपड़ों पे प्रेस करने। कितना सारा ढेर मैंने लगा रखा है, यहाँ देखिए पूरा ढेर लगा हुआ है, वहाँ पर सो गया मनीष, और इतने कपड़े मैंने ऑलरेडी प्रेस कर लिए हैं। काफ़ी दिनों से हमारा प्रेस ख़राब हो गया था, और न्यू लेकर आए हुए भी हमें काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन टाइम नहीं मिला। कहीं जाते हैं तो अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं, लेकिन आज मैंने पूरे कपड़े निकाल लिए, जो अंदर रखने वो अंदर रखूँगी। अलमारी में बिल्कुल स्पेस नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कपड़ों की, तो न्यू है वो अंदर रख देती हूँ। ये पूरे न्यू कपड़े हैं, इसमें तीन सूट मेरे हैं, तीन पतिदेव जी के, मैंने इसके, तो ये सारे अंदर रख देती हूँ, काफ़ी स्पेस हो जाएगा, और देखती हूँ कितने कर पाती हूँ। काफ़ी वीकनेस फील होने लगी है, और बीच में आज मैंने ना मीठे चावल बना के खा लिए थे, मन किया, और बाल कंघी मैंने 3 दिन से नहीं की है, ओनली 4 बिंदी लगा लिया है, गला काम नहीं करा बिल्कुल। बाकी के कपड़ों पे भी प्रेस कर लेते हैं। टी शर्ट्स की बटन मैंने
बंद करनी है और उसके बाद हम प्रेस कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बटन लगा लेते हैं। और साड़ियाँ हैं उनके फॉल पे प्रेस ऑलरेडी हो चुका है तो उनको समेटना है, और पूरी साड़ी में भी मैंने प्रेस कर दिया तो इसको भी समेट लेते हैं जल्दी जल्दी, बहुत झंझट वाला काम हो जाता है। और ये साड़ियाँ मैं आजकल बहुत कम डाल रही हूँ, फिर भी हो जाती है, कभी कभी डालते हैं, और इनको समेटना बहुत आसान होता है। तो अभी कपड़ों पे भी प्रेस कर लेते हैं, जो कपड़े अंदर रखने हैं वो हम रख देते हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, थोड़ा सा अलमारी में स्पेस हो जाता है और थोड़ा सा काम हल्का हो जाता है। तो जल्दी जल्दी मैं प्रेस कर लेती हूँ, जितना हो सकता है करने की कोशिश करूँगी। तबीयत थोड़ी ख़राब है तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये काम, लेकिन कोशिश करूँगी जितना हो सके। और मैं प्रेस को उल्टा रखती हूँ ताकि गद्दा है वो अंदर तक ना बैठ जाए, ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो आप कभी भी प्रेस को बेड पे नहीं रखना चाहिए, सीधा गर्म को। तो अभी मैंने इसके कपड़े वो प्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आज हमारे घर में हो रही है थोड़ी सी पशुओं की मस्ती शुरू हो गई है इनकी। हमारे घर में आ गया था एक प्यारा सा बुकला और पूरे पशु है वो हमारे डर रहे हैं, और ये पर पशुओं की साइड में घूम घूम कर सबके साथ मस्ती कर रहा है और पशु डरे हुए हैं। ये देखिए कितनी सारी मस्ती पशुओं के साथ हो रही है। तो अभी तो आप लोग पशुओं की मस्ती इंजॉय कीजिए, इसी का वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर शेयर कर दिया करो, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर से करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर